साका नीला तारा सिख कौम वालों हंडाए संताप की वह दर्दनाक दास्तान है जिसका जिक्र करद्या ही मन में डूंगी चीस उठती है। 1984 वापरे सिख कतलेआम की शुरुआत जून महीने के पहले दिन ही हो गई सी। 1 जून को CRPF वालों पावनदार श्री हरिमंदर साहब की घेराबंदी कर ली गई और हुक्म मिलते ही CRPF वालों गोलीबारी शुरू कर दी गई। श्री गुरु अर्जन देव जी के दे शहीदी दिहाड़ी करके पहला तो गुरु घर नतमस्तक होने वास्ते पुजियां संगतां ते इकट्ठ ते वरियां गोलियां ने जिथे कई निर्दोष सिखां दी जान लै लई उत्थे ही सिख कौम दे सर्वोच्च स्थान दी मान मर्यादा नूं भी गहरी ठेस पहुँचाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार का पहला दिन 1 जून 1984 नूं शुरुआत हुई सी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। 1 जून को CRPF तैनात कर दी गई जिसने श्री हरिमंदर साहब कंपलैक्स की घेराबंदी कर ली सी। श्री गुरु अर्जन देव जी के दे शहीदी दिहाड़ी करके संगत का भी इकट्ठ होना शुरू हो गया सी। हुक्म मिलदा ही CRPF ने गोलीबारी शुरू कर दी अते कई बेदोशे सिख इस गोलीबारी कारण जाना तो हाथ तो बैठे। 2 जून को जनरल गौरी शंकर को सुरक्षा सलाहकार लगा के पूरे पंजाब विच करफ्यू लगा दिता गया अते फौज ने नीला तारा ऑपरेशन आरंभ कर दिता। दरबार साहिब अंदर एंटी टैंक गोले अते होर भारी असला पहुंच गया। अमृतसर दे खुफिया विभाग का अफसर सीधे तौर पर भी केंद्र सरकार के संपर्क विच सी। दरबार साहिब समूह विच जनरल शबेक सिंह ने मजबूत मोर्चाबंदी की सी। 6 जून 1984 को श्री अकाल तख्त साहब को टहटेरी करन अते संत जरनैल पिंडरांवालिया अते उना दे साथियों शहीद करन दे नाल फौजी कार्रवाई की। सरकारी अंकड़िया अनुसार 136 फौजी मरे अते 220 जख्मी हुए अते 492 नागरिक मारे गए। हालांकि ये सिर्फ सरकारी अंकड़े ने, असल सच्चाई इस तो किते ज्यादा सी। इस गिनती तो इन्हां अंकड़ियां तो किते वध जख्मी अते मरण वालियां दी गिनती सी। तुहानू दस दईए कि मरण अते जख्मी होने वाले बहुते लोग ओ सन जो श्री दरबार साहिब गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब मनाउण लई आए हुए सन। साका नीला तारा 1984 विच भारतीय फौज वालों की हुई सिखां दे धार्मिक स्थान श्री हरिमंदर साहिब ते फौजी कार्रवाई है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सी, संत जरनैल सिंह पिंडरांवाला, भाई अमरीक सिंह मुक्तसर अते जनरल शुभैक सिंह उस समय श्री हरिमंदर साहिब विच सन। उन्हां दे नाल होर भी बहुत सारे सिंह गुरद्वारा साहिब विच सन जिन्हां नूं आतंकवादी कह के फौज गुरद्वारे विचों कढ़ना चाहुंदी सी। इस फौजी कार्रवाई विच बहुत बेगुनाह लोकां दी जान चली गई।